Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. So hey guys, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गेमिंग विद एस्ट्रो पर. गाइज मैंने अभी गेमिंग विद एस्ट्रो बोला ये सही है, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम जब भी इंट्रो दूंगा मैं तब एस्ट्रो गेमिंग बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे गेमिंग विद एस्ट्रो ज़्यादा बोला नहीं जाता, मतलब याद नहीं रहता. गाइज आज हम खेलने वाले हैं 35 वेज टू डाई, ठीक है ना, 35 वेज टू डाई. और गाइज मैंने एक नया मॉड लिया है जिसका नाम है न्यू प्लेयर एनिमेशन मॉड. आप देख ही सकते हो मेरा ये स्टीव वाला कैरेक्टर कैसे मूव कर रहा है, इधर पैर उठाकर जैसे लेविटेट कर रहा हो. और इसमें थोड़े से एनिमेशंस बस ऐड किए गए हैं हमारे प्लेयर को, पर लेकिन आपका ये कस्टम प्लेयर में काम नहीं करने वाला. तो गाइज मैं वर्ल्ड स्टार्ट करने के बाद मिलता हूँ आप लोगों से. गाइज वी आर इन द मैप एंड आप देख सकते हो मेरे प्लेयर के एनिमेशन, वो कैसे चल रहा है, दौड़ रहा है, जंप करने के एनिमेशन भी देख लो. रुको थोड़ा सा सामने से दिखा दो, ऐसे ये देखो थोड़ा सा ये देखो दौड़ने के एनिमेशन. और क्या एनिमेशन दिखा सकते हो, इतने ही एनिमेशन होंगे इसमें. अबे कहाँ कहाँ घुसा हुआ हूँ मैं. हाँ तो गाइस मैं फर्स्ट पर्सन में जाता हूँ पहले तो. गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं फर्स्ट पर्सन में आ चुका हूँ, स्टार्ट बटन भी आपके सामने देख ही चुका होगा, ये देखो स्टार्ट बटन. तो हम स्टार्ट बटन में जैसे ही टैप करेंगे ये आ चुका है 35 वेज टू डाई. ओ गाइस लावा, ये तो बहुत ईजी है, लेवल 1 लावा. लावा में ऐसे जंप कर दो, खत्म फर्स्ट टाइम. ये वैसे मैंने इधर एक और लोड किया था, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एंडर पर्ल. ओह ये तो और भी ज़्यादा इजी है, हमें बस इस एंडर पर्ल को लेकर ऐसे एक थ्रो करो, खत्म. अब ये वाला लेवल है वाटर, गोल्डन स्वॉर्ड, गोल्डन स्वॉर्ड से हम क्या करेंगे, इससे हम वाटर. अच्छा ओके हम इससे ये ग्लास को तोड़ सकते हैं. हाँ 100%. फिर इधर जाओ, फिर इधर बैठे रहो बहुत सारा टाइम. मैं इस जगह को काट देता हूँ क्योंकि ये आपका बस टाइम ख़राब होने वाला है. गाइज मैंने डैमेज लेना स्टार्ट किया है और मैं मर चुका हूँ. लेवल 4 ज़ॉम्बीज, क्या इधर स्पॉन है. ओ भाई ज़ॉम्बीज कहाँ से आए भाई, इधर तो इतना सा एक होल है जिससे हमें निकलना है. और लेवल का नाम था एलाइट्रा. अच्छा एलाइट्रा हमको दिया हुआ है, इसको तो ऐसे पहनो, फिर ऐसे ऐसे करो, इधर इधर जा कर करते हैं. चलो अबे मच्छर रुको गाइस, मुझे इलेक्ट्रीफाई करना, थोड़ा ऐसे कर के आप ये देखो आ चुके, इसको बस बाहर निकालना है. आ गए हम बाहर. फ्लिंट स्टोन, क्या बोला इसका लेवल का नाम, अबे हट उठ पीछे. फ्लिंट एंड स्टील, अच्छा अच्छा इससे एक आयरन है ना, नहीं तोड़ सकती क्या. इधर एक वुडन पिक दिया जो किसी काम का नहीं है इधर. अच्छा ये आयरन, अच्छा इसको छोड़ो, ये आयरन ओर को ब्रेक कर सकता है. और ये कैन बी प्लेस्ड ऑन आयरन ओर, मतलब इसको आयरन ओर के ऊपर कैसे रखेंगे हम. अच्छा इससे आयरन ओर को तोड़ो पहले तो, ख़त्म ये क्या. अच्छा तो इधर हम आयरन ओर को रख देते हैं और इसको इसके ऊपर रख सकते, मतलब अच्छा इसको रख दो. लगता है ये लेवल मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मेरी गलती है, बोला था ना. गाइज मैं थोड़ा सा क्रिएटिव में जाने वाला हूँ क्योंकि मैंने आयरन ओर को बीच में निकाल दिया था, उसकी वजह से ये मेल्ट नहीं हुआ. तो मैं एक दूसरा वुडन का पिकैक्स ला के इधर डालने वाला हूँ. गाइज जैसे कि आप देख सकते हो मैं वुडन पिकैक्स लेकर आ चुका हूँ, उसको इधर डाल देने वाला हूँ क्योंकि पिछली बार मैंने वो वुड का पिकैक्स वेस्ट कर दिया था. अब इसको बनने दो गाइज, फिर हमें क्या करना है तो आपको पता ही है, जैसे कि लेवल का नाम है फ्लिंट एंड स्टील, तो इसको लेना है और बस एक क्राफ्टिंग टेबल में जाके एक फ्लिंट एंड स्टील बना लेना है. फिर फ्लिंट एंड स्टील ये आग कहीं भी नहीं लगा सकता है. अच्छा ये वाला स्टोन में कहीं भी आग लगा सकते हैं, रेड सैंड में नहीं लगा सकते. हर तरफ आग ही आग बनाने दो पहले तो, ताकि हम ये देखो मरने वाले हैं हम. और गाइस नई सीरीज स्टार्ट है तो आप ऊपर देख सकते हो
ये गैंगस्टर 4 मतलब गैंगस्टर वेगस की, जिसकी जो मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर वाला डाउनलोड। अभी ये क्या है, मैं इसका नाम नहीं देख पाया, क्या है, कमांड ब्लॉक। अच्छा इधर एक कमांड ब्लॉक, जो उसके अंदर का कमांड तो नहीं देख सकते क्योंकि हमें सर्वाइवल में। ये क्या, कैन रेडस्टोन स्लैब ब्रेक कर सकते हैं, और इसका इसको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। रेडस्टोन का स्लैब है कहाँ, ये नहीं है, रेडस्टोन का स्लैब कहाँ है, इसके ऊपर तो एक रेडस्टोन है, उसको तो नहीं तोड़ सकते। रेडस्टोन का स्लैब है कहाँ, वो नीचे वाला तो नहीं है, फिर ऊपर वाला, अच्छा ये इनसे कोई होगा, तो इनसे ही कोई होगा लगता है। रुको ये देखो, कोई भी ग्लो नहीं कर रहा, पर ये ग्लो कर रहा है, और इसका टेक्सचर भी देखो, चेस्ट डायमंड पिकैक्स कैन ब्रेक ऑब्सीडियन, समझ में आ चुका है गाइस। इसको तोड़ो, वे टूट भी जा जल्दी से, ऑब्सीडियन तोड़ने में कितना टाइम लग जाता है। इसको तोड़ने पर रेडस्टोन को क्या हम इधर लगा सकते हैं, अब देखते हैं रेडस्टोन कहाँ पर प्लेस हो सकते हैं। कैन बी प्लेस्ड ऑन ब्लॉक ऑफ एमेरल्ड, इधर करो बैरियर। अच्छा ये तो और भी इजी है, थोड़ा सा पार्कोर मैप होगा, इधर जाओ फिर उधर जाओ फिर, अच्छा वो उधर जाना है हमको, सामने 3 दिख रहा है मुझको, ऐसे ऐसे आगे, अभी इधर है 4। हमने पिछली बार पार्कोर मैप खेला हुआ है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है ना पार्कोर के बारे में, लेकिन नूब तो नूब ही होते हैं ना गाइस, नूब वो नहीं बन सकते जैसे कि हम जैसे नूब कभी प्रो नहीं बन पाएंगे। पर में जाओ, हाँ ये 4th वाले में ही तो नहीं जा पा रहा हूँ मैं, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ओ ओ ओ भाई थोड़ा सा बीच में जाओ, इधर बैरियर्स लगे हुए हैं, यही तो प्रॉब्लम है, पीछे जाना है हमें। सर एक बड़ा सा जंप लगाना है क्या मुझे, एक बार वापस से करना पड़ेगा सारा, ये 3 है तो एक का है इधर, फिर इधर से ये क्या, इधर 2 फिर इधर 3 फिर इधर, ना देख के 4 में जाओ, यही अच्छी बात, इसी अच्छा है, वो मेगा ब्लॉक तक पहुंचना है ना हमें, कैसे मैं इधर जा ही नहीं पा रहा। वैसे हम इधर से ही मैग्मा ब्लॉक वाले पर सीधा जंप लगा सकते हैं ना, ट्राई करते हैं गाइस वापस एक बार जाकर, मैं वहाँ पर पहुँच कर चालू करता हूँ गाइस, मैं वापस इधर आता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर कोई एक ब्लॉक है, वो 6th वाले पे जाना है हमको, फिर इधर ये 7th है या 6th है, मुझे तो घर पर लग रही है इधर 6th नहीं 7th नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा दिख रहा है मेरे को, तो मुझे ऐसे जाकर ऐसे, अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर कुछ था, तो मैं ऐसे, ओ अच्छा इधर वॉल पे लगा, इधर तो सर पटकने वाला है हमारा, ऐसे करता हूँ पहले मैं, ऐसे जाकर ऐसे, हाँ मैग्मा ब्लॉक तक पहुँच गया, अब आराम से मरेंगे, वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, आराम से मरेंगे हम, खत्म लेवल कैक्टस। आज तो मैं बहुत सारे लेवल खत्म करके ही छोड़ूंगा, और ये एमेरल्ड के ऊपर बैठेगा, ये एमेरल्ड एमेरल्ड, अच्छा एमेरल्ड तो इधर ही है, एमेरल्ड ढूंढ रहा हो सारी जगह, इधर इसके ऊपर खड़े हो जाओ, अरे ऊपर खड़े होकर आराम से डैमेज लो, टिंग 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 टिंग, कितनी देर हुई, अब 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है। लेवल 10 ये आज की लास्ट लेवल होगी गाइस, क्योंकि यह है 10th लेवल। ये कौन सी चीज़ है, एक के बाद एक, क्या इसका नाम, चेस्ट, अच्छा एक के बाद एक चेस्ट खोल लेते हैं हमको, ये गोल्डन स्वॉर्ड डर्ट को तोड़ सकती है, ये रहा डर्ट, ये तो कोई डर्ट है, फिर इधर स्टैंड को तोड़ सकती है, ये क्या सारे एक के बाद एक तोड़ना पड़ेगा, गोल्डन स्वॉर्ड मिलेगा ऐसा है क्या, फिर ड्राइट कल्प को तोड़ सकती है, ये इधर एक गोल्डन स्वॉर्ड जो सोल स्टैंड को तोड़ेगी, इधर वो क्लॉक को तोड़ने वाली, मतलब एक के बाद एक मिलती जा रही है गाइस। अब इसमें क्या है, इसमें एक और गोल्डन स्वॉर्ड जो तोड़ेगी नेदर रैक को, अब
ये वो प्लैंक का तोड़ रही। अबे कितने कितने हैं, इसमें कुछ सैंडल मिल जाए और एक गोल्डन सॉर्ड। ट्रैप चेस्ट को तोड़ सकते हो, देखो गाइस ट्रैप चेस्ट को तोड़ेगी। अच्छा ये वाला ट्रैप चेस्ट है, इसको तोड़ते हैं पहले तो हम, फिर हम इधर क्या करेंगे। मुझे तो इतना पता है कि सैंड को हम ऐसे, हम सैंड को प्लेस ही नहीं कर सकते। ट्रैप चेस्ट का क्या करें तो हम, इसके पीछे इधर ज़्यादा पार्ट कुछ तोड़ सकते हैं, या फिर ट्रैप चेस्ट को ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। देखते हैं ट्रैप चेस्ट में कुछ लिखा है क्या। नहीं, एक प्लैंक इधर इधर, ये 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 कुछ करने के लिए है भी नहीं, है भी या नहीं, या फिर लेवल बस दिखाने के लिए। बस इस लेवल में कुछ करने के लिए नहीं है। ग्रास को तोड़ सकते हैं क्या हम? नहीं, मैं इस लेवल को काटने वाला हूँ सर, थोड़ा सर्वाइवल में जाकर नीचे उधर ग्लास तोड़ के गिरने वाला हूँ मैं। इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, और आज के लिए इतना ही। वैसे भी ये नेक्स्ट 11 नंबर लेवल शुरू करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट एपिसोड।